हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले बर्फी, आप देख सकते हैं ये बर्फी आज हम बनाने वाले हैं। अब आप ये सोचते होंगे ये तो काजू बर्फी है। नहीं दोस्तों, ये है पीनट बर्फी। ये कम खर्चे में बहुत अच्छी और डिलीशियस सी मिठाई बन, जिसे बनाने के लिए सिर्फ हमें दो सामानों की जरूरत है। मैंने 250 ग्राम शक्कर लिया है, जिसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम शक्कर लिया और 100 ml मैंने इसमें पानी लिया है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसमें हम अब डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से उबल चुकी है, उसमें अच्छी सी छाग आ चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस। रस डालने से हमारी चाशनी ऊपर से परत जमती नहीं है, और जब भी जितने घंटे भी चाशनी आपकी ठंडी भी हो जाती है तो वो लिक्विड की लिक्विड रहती है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हम एक बार चाशनी को चेक कर ले रहे हैं हमारी एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। अभी हमें और एक मिनट लगेगा इसे उबालने में। इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ, हमारी एक चाशनी है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी की तार बन रही है। हमारी एक तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। मैंने गैस पे एक पैन रखा है। पैन में मैंने एक कटोरी मूंगफली रखा है। इसे हमें इतना सेकना है ये लाल भी ना हो, लेकिन इसके अच्छे से छिलके उतर जाए। इसे हमें हल्के हाथों से थोड़ा चलाते रहना है ताकि हमारी मूंगफली हल्की सी सिक जाए और इसके छिलके उतर जाए, ताकि हमारा फाइन सा पाउडर बन पाए। 2 मिनट हो चुका है, हमारी मूंगफली को हम ट्राई कर रहे हैं, वो छिलके अच्छे से उतर रहे हैं। हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और सारी मूंगफली को छील के एक फाइन सा पाउडर बना देना है। मैंने मूंगफली को छील के और मिक्सी में ग्राइंड करके एक दरदरा सा हमने पेस्ट बना दिया है। जितनी मूंगफली का हमारा जो पाउडर है उतना हमें बराबर का दूध पाउडर लेना है। दोनों बराबर क्वांटिटी में, ये मूंगफली का अपना पाउडर है और ये दूध पाउडर है। हमारी चाशनी है वो एक तार की बन गई है। अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, कोई भी ब्रांड का चलेगा, और ये मूंगफली का पाउडर हमें दोनों को डाल देना है अच्छे से। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और तब तक चलाना है जब तक हमारा गाढ़ा सा डो नहीं बन जाता है। आपको लग रहा है ये काजू बर्फी जैसा बिल्कुल कलर? ये आपको काजू बर्फी आने का मन हो और आपका काजू नहीं हो तो आप मूंगफली से बनाइए काजू बर्फी जैसे शेप में अच्छी सी मिठाई। ये बहुत ही स्वादिष्ट और कम पैसों में बनने वाली मिठाई होती है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी तरह अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाती रहती हूँ। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें अच्छा लगता है पढ़ के। कितना थिक सा हो गया है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे रोटी का आकार का हमें ठंडा होने के बाद बेल देना है। हमारा डो है वो अच्छे से टाइट हो गया है और मैंने इसे एक अच्छा सा रोल बना दिया है। अब हम तेल ली, जिसमें हल्का सा मैंने घी लगाया, घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ये डो रख दिया। अब हम एक बेलन के सहारे से इसे बेल देंगे। न ज्यादा पतला बेलना है न ज्यादा मोटा बेलना है, हमें एक गोल आकार से बेल देना है। और आप देखिए इजली बेल रहा है, जैसे हमारी लग रहा है काजू बर्फी बनी है। आप कह सकते हैं कि मूंगफली की बर्फी है। इस बर्फी को देख के कोई नहीं कह सकता है कि काजू की बर्फी नहीं है। मैंने इसे बेल के तैयार कर दिया है। इतना मोटा हमें बेलना है, न पतला है न मोटा है। हम इसके ऊपर चांदी वर्क लगाएंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने चांदी वर्क लगा दिया है। अब हम इसको कट कर देंगे, हल्का ठंडा होने के बाद ही हमें हल्का कट करना है। लंबे में कट लगा दिया है,
अब हम आड़े में निशान लगाएंगे, जितनी साइज का आपको पीस चाहिए उस हिसाब से हमें कट करना है। धीरे धीरे कट कीजिएगा क्योंकि अभी हमारी मिठाई अभी गीली है हल्की सी। पीनट बर्फी बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी मिठाई बनके तैयार हुई है, कितने कम खर्चे में और एक अच्छी सी मिठाई हम अपने त्योहार में बना सकते हैं। और आप देखिए आगे से पीछे से कहीं से भी आप देखिए, कोई नहीं कह सकता है ये काजू बर्फी नहीं है। घर पे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।